बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई बचपन। ध्यान रखने योग्य बहुत जरूरी बातें। थोड़ा समय निकालकर जरूर पढ़ें। एक, जो औरतें पानी कम पीती हैं उनके दिमाग की नसों में खून के थक्के जमने लगता है, इससे दिमाग पर प्रेशर पड़ता है जिसके कारण बेहोशी होने की समस्या होने लगती है। दो, दही के ऊपर वाला पानी लीवर को साफ करता है, दिन में एक गिलास जरूर पिए। तीन, कोई भी खट्टी चीज खाने के बाद पानी पीने से पेट में सूजन आ जाती है। चार, रोजाना सुबह उठते ही कंघी करने से आपके बाल मजबूत होते हैं। पांच, रात को नाभि में तेल डालने से दिमाग तेज काम करता है और इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। छह, रात की बची हुई रोटी में फाइबर अधिक मात्रा में होता है, बासी रोटी को सुबह दूध के साथ खाने से अपच, गैस, एसिडिटी और पेट की कई बीमारियों से भी राहत मिलती है। सात, तेज पंखे के नीचे या आँख में सोने से मोटापा बढ़ता है। आठ, चने की सब्जी खाने से बुढ़ापे में भी जवानी जैसी ताकत रहती है, साथ ही खून की कमी भी नहीं होती है। नौ, बार बार पेशाब जाने की बीमारी में भुने हुए चने का सेवन करना चाहिए। दस, शाम के स्नैक्स में मखाना खाने से आपके शरीर में कब्ज और लंबे समय तक बैठने के कारण होने वाली पेट की बीमारियों को कम करने में मदद करता है और यह एनर्जी बूस्टर भी होता है। 11, खाने में रोजाना दही का सेवन जरूर करें, इससे यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता। 12, उबले हुए चावलों को फ्रिज में रखकर कई दिनों तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे शरीर में मैदा खराब होने के साथ साथ कई अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। 13, जो लोग खाना तेजी से खाते हैं उनको दिल की बीमारी हो सकती है, खाना जल्दी हजम नहीं होता और यह मोटापे का कारण भी बन सकता है। 14, टमाटर का सूप पीने से वजन कम होता है और यह आंखों और त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। 15, अपनी डाइट में पुदीने वाली चटनी जरूर शामिल करें, इसके इस्तेमाल से थकावट महसूस नहीं होगी। 16, अगर आपको थकावट महसूस होने लगे तो थोड़ा सा गुड़ खा ले, यह आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा। 17, अगर पेट की कोई भी बीमारी है तो मसूर की दाल ज्यादा खाया करें। 18, नूडल्स उबालने के बाद अगर उन पर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया जाए तो वह आपस में नहीं चिपकेंगे। 19, अगर भिंडी बनाते समय भिंडी बर्तन में चिपकती है तो भिंडी बनाते समय उसमें थोड़ी सी दही डाल दी जाए तो भिंडी बर्तन में नहीं चिपकेगी। 20, यदि सूप में आइस क्यूब डाल दी जाए तो वह सारी चिकनाई सोख लेता है और सर्व करते टाइम बर्फ निकाल दे। 21, दूध में शहद मिलाकर पीने से आंखों की रोशनी तेजी से बढ़ती है। 22, यदि आपको कब्ज की समस्या रहती है और पेट अच्छे से साफ नहीं होता तो इसके लिए आप रोजाना शाम को पपीता जरूर खाएं। 23, छुहारे खाने से पाचन शक्ति मजबूत होती है। 24, रोजाना रात को चेहरे पर कच्चा दूध लगाने से चेहरे पर चमक आती है। 25, रात को सोने से पहले चेहरा जरूर धोएं, इससे चेहरे की सारी गंदगी साफ हो जाती है। 26, दूध को खाने के साथ नहीं पीना चाहिए क्योंकि दूध अपने आप में ही एक संपूर्ण आहार है, अगर आप ऐसा करते हैं तो खाना और दूध एक साथ पच नहीं पाएंगे, इसलिए दोनों को अलग अलग ही खाना चाहिए। 27, गर्मी के कारण अगर सिर दर्द हो जाए तो कद्दू का गूदा निकालकर बारीक करके माथे पर लेप करें, इससे बहुत ही जल्द आराम मिलता है। 28, पानी पीकर फौरन सो जाने से आपके दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है। 29, यदि आपको सर में दर्द रहता हो तो लौंग को तवे पर गर्म करके सूंघ ले, इससे सिर दर्द में राहत मिलती है। 30, रोजाना सुबह उठकर छत पर पंछियों के लिए ताजा पानी रखने से घर में बरकत होती है।
31 जो औरतें रोटी बनाते समय पहली रोटी मोड़ कर रखती है तो ये शुभ माना जाता है। 32 ज्यादा देर तक पेशाब को रोकने से लकवे की समस्या हो सकती है, साथ ही पेट संबंधित कई बीमारी होने का भी खतरा रहता है। 33 यदि आपको सर्दी जुकाम हो गया है तो आप गर्म पानी में सेंधा नमक डालकर भाप ले, ऐसा करने से आपको बंद नाक, सर्दी जुकाम आदि और गले के दर्द में आराम मिल जाएगा। 34 शरीर में खून की कमी दूर करने के लिए सुबह एक मुट्ठी भिगोया हुआ चने के साथ गुड़ का सेवन करें, इससे शरीर की खून की कमी दूर हो जाएगी। 35 सुबह देर से उठने वाले इंसान के दिमाग की नसें कमजोर होती हैं और शरीर में भी आलस बना रहता है। 36 सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज करने से पूरे दिन शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। 37 सुबह का नाश्ता न करने से शरीर में कई बीमारियां होने का खतरा रहता है और पेट में गांठ भी बन सकती है। 38 आप चावल का अधिक सेवन करते हैं तो मोटापा जल्दी बढ़ सकता है। 39 रोजाना बेर का सेवन करने से पेट की बहुत सी बीमारियां दूर रहती हैं। 40 धनिया के रस को गंजे सिर पर लगाने से सर के बाल धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं। 41 गरम रोटी के साथ दही का सेवन बिल्कुल भी ना करें। 42 रोजाना रात को किशमिश के सेवन से शरीर को ताकत मिलती है, रात को किशमिश भिगोकर सुबह भी इसका सेवन कर सकते हैं, साथ ही इसके पानी का सेवन करें, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। 43 पुदीने की पत्तियों को चेहरे पर रगड़ने से स्किन नरम और मुलायम हो जाती है। 44 प्याज की खुशबू सूंघने से दिल मजबूत होता है। 45 ज्यादा सोचने और टेंशन लेने वाले इंसान के चेहरे पर झुर्रियां जल्दी पड़ने लगते हैं। 46 सर की देसी घी से मालिश करें, इससे आपका दिमाग ताकतवर बनेगा और सर दर्द भी दूर रहेगा। 47 जो लोग खाना खाकर नहाते हैं उनकी त्वचा का रंग सांवला होने लगता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता। 48 अगर आप अपने पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं तो रोटी के साथ प्याज खाया करें, पानी में नींबू निचोड़ कर पिए, दिन में 2 बार ही खाना खाएं और रात को सोने से पहले गर्म पानी जरूर पिए। 49 हफ्ते में 1-2 बार नारियल पानी जरूर पिए, इससे शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है और शरीर में कमजोरी नहीं आती, साथ ही चेहरे पर भी चमक आती है। 50 अमरूद के सेवन से सुस्ती और डिप्रेशन कम होता है। 51 चावल खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, इससे पेट को नुकसान पहुंचता है और बदहजमी भी हो सकती है। 52 खाना खाने के तुरंत बाद खून का बहाव कम होता है जिसके कारण नींद आने लगती है। 53 पानी में अदरक उबालकर पीने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। 54 अदरक और लहसुन को बराबर मात्रा में पीसकर एक छोटा चम्मच पानी के साथ सेवन करने से पेट से संबंधित बीमारियां दूर होती हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य प्रक्रिया के लिए है, किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर यह नियम अपनाएं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। पैसों से दवाएं खरीदी जा सकती है लेकिन स्वास्थ्य नहीं, इसलिए अपने परिवार का ध्यान रखें। राधे राधे।